हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा। आज हम इलेक्शन के दिनों में किए जाने वाले बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस बिजनेस के द्वारा आप कम दिनों में काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये बिजनेस है चुनाव प्रचार सामग्री बिक्री का। जैसा कि आप सभी को पता है, 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में इस बिजनेस को शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। इस समय यदि आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप सभी पार्टियों के उम्मीदवार से मिल सकते हैं और उनसे चुनाव सामग्री के ऑर्डर ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव के डेट की घोषणा होगी, पार्टियों के उम्मीदवार भी अपने प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। उस वक्त आपके पास पहले से चुनाव सामग्री तैयार होगी तो ऑर्डरों को पूरा कर पाएंगे और इसके बदले में अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं चुनाव प्रचार सामग्री का बिजनेस आखिर में है क्या। उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए अपने प्रचार प्रसार के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें चुनाव प्रचार सामग्री कहा जाता है। आज से एक दो दशक पहले तक चुनाव प्रचार सामग्री के नाम पर पोस्टर, कपड़े के बैनर, झंडे ही हुआ करते थे। अब सब कुछ बदल गया है। चुनाव सामग्री के रूप में रोज नए नए चीजें आ रही है ताकि लोगों को इसके द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने भले एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा रखी हो, पर चुनाव प्रचार सामग्री की दुकान में भाईचारे और सद्भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। ये पूरा कारोबार करोड़ों का खेल है, बस जरूरत है मौके के फायदा उठाने का। भोपाल के अनूप अग्रवाल लंबे समय से चुनाव प्रचार सामग्री की बिक्री का कारोबार कर रहे हैं। उन्हें इस बिजनेस का काफी अच्छा अनुभव है। उनके पिता भी इस कारोबार को करते थे। आइए जानते हैं इस बिजनेस के बारे में अनूप अग्रवाल क्या कहते हैं। चुनाव के समय के लिए किया जाने वाला यह बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। चुनाव प्रचार सामग्री की काफी लंबी रेंज है, जिसकी बदौलत इसके द्वारा काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस व्यापार को शुरू करने वाले इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ माल मंगवा कर अपने पास रख लेने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए काफी भाग दौड़ करनी होगी, तभी आप इसके द्वारा अच्छी कमाई कर सकते हैं। पार्टियों के स्थानीय हर बड़े छोटे नेताओं से मेल मिलाप बढ़ाना पड़ेगा। उनसे मिलकर मार्केट में आए चुनाव प्रचार सामग्री के नए नए आइटम के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें चुनाव प्रचार सामग्री का लोगों पर होने वाले प्रभाव और इसके लाभ के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे कि इस बार चुनाव प्रचार सामग्री के रूप में मोबाइल कवर प्रिंट खास रूप से चर्चा में है। इसकी वजह है हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन आ गए हैं। लोग इसे सुरक्षित रखने के लिए कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मोबाइल कवर प्रिंट चुनाव प्रचार का एक अच्छा साधन बन गया है। चुनाव प्रचार सामग्री की रेंज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चुनाव की घोषणा के साथ साथ हो सकता है और भी कोई नई सामग्री आ जाए जिसे लोग खास पसंद करने लगे। इस समय 100 से ऊपर ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जिनमें छोटे बड़े पोस्टर, स्टिकर, कटआउट, बैज, पर्ची, फ्लैग, पेन, लड़िया, सिंबल, बैंड, टोपी, कार्ड, छतरी, टी शर्ट, गमछा, साड़िया, बिंदी, कार की झंडी आदि ऐसे अनेकों चीजें हैं जिनकी काफी डिमांड है। इस बिजनेस को किसी छोटे बड़े शहर में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में कंपटीशन काफी कम है, पर रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क से मतलब है माल को यदि आप समय से नहीं भेज पाए तो आपका माल पड़ा रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बिजनेस पाने के लिए अच्छी नेटवर्किंग जरूरी है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, ताकि आप विभिन्न पार्टियों के चुनाव प्रचार सामग्री को अपने पास रख सके। इसे एक पार्टी के चुनाव प्रचार सामग्री रखकर आप अधिक कमाई नहीं कर सकते। मतलब आपके पास जितनी अधिक वैरायटी होगी उतनी ही क्वांटिटी में माल बिक्री होगी और कमाई भी उतनी अधिक होगी। जहां तक कमाई की बात की जाए, इस बिजनेस में कमाई अनलिमिटेड है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितनी अधिक ऑर्डर मिलेंगे आपको उतनी अधिक कमाई होगी। अनेक चीज़ों पर तो 100 से 200% तक की बचत होती है। आप जान ही चुके हैं कि चुनाव प्रसार सामग्री बिजनेस में कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो चुनाव प्रसार सामग्री दिल्ली के सदर बाजार से ला सकते हैं। चाहे तो अनूप अग्रवाल जो भोपाल में
अग्रवाल बंधु के नाम से चुनाव प्रचार सामग्री की शॉप चलाते हैं। उनकी एक शॉप लखनऊ में भी है। भोपाल या लखनऊ के आसपास के लोग इनसे थोक में माल मंगवा सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो अनूप अग्रवाल से फोन द्वारा संपर्क करके ले सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर बिजनेस मंत्रा ब्लॉग पर दिया गया है। बिजनेस मंत्रा ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भाई इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो देर ना करें, चुनाव की घोषणा के पहले ही फील्डिंग शुरू कर दें। इसमें आपको मार्केट पकड़ने का मौका मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री की बिक्री के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, उन्हें बिजनेस से संबंधित जानकारी में रुचि है तो वीडियो के नीचे बने लाल रंग के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। साथ ही पास में बने बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि बिजनेस मंत्रा चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।